गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। इस वीडियो सीरीज में हम बात करने वाले हैं समीर मोदी ग्लोबल प्लान के बारे में। आप सब जानते हैं मोदी केयर का सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है और वो है आजादी। लेकिन ये आजादी पूरे भारत के हर घर में कैसे पहुंचेगी, क्या माध्यम है? जो माध्यम है वो है हमारा कॉम्पनसेशन प्लान, आपका कॉम्पनसेशन प्लान, जिसका नाम है समीर मोदी ग्लोबल प्लान। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि क्यों समीर मोदी ग्लोबल प्लान पूरी इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट प्लान्स में से एक है। सबसे पहले समीर मोदी ग्लोबल प्लान में हम आपको और आपकी टीम में पूरी कंपनी के मंथली बिजनेस वॉल्यूम का 62% पे आउट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नाउ दिस इज अमेजिंग, ह्यूज मनी। इमेजिन करें पूरी कंपनी के मंथली बिजनेस वॉल्यूम का 62% बोनसेस और कमीशंस में हर मंथ डिस्ट्रीब्यूट होता है। पैसा तो खूब सारा डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन इस प्लान को समझना और अपनी टीम में डुप्लीकेट करना बहुत आसान है। सो दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू डुप्लीकेट। और समीर मोदी ग्लोबल प्लान में एक, दो या तीन तरह की नहीं, टोटल 12 तरह की इनकम्स हैं, 12 एरियाज ऑफ इनकम। और इस समीर मोदी ग्लोबल प्लान को सपोर्ट करते हैं मोदी केयर के वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स। हमारे पास सुबह से शाम, सर से पांव, कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसकी जरूरत हर घर में है। और इन सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी मिलती है। और इसके अलावा समीर मोदी ग्लोबल प्लान को समझने के लिए कैसे अपने नेटवर्क में समीर मोदी ग्लोबल प्लान को डुप्लीकेट करवाना है, कैसे प्रोडक्ट्स को आप प्रमोट करेंगे, कैसे अपने नेटवर्क को आगे बढ़ाना है, ये सब सिखाने के लिए हमारा जो ट्रेनिंग सिस्टम है जिसका नाम है सक्सेस प्रिंसिपल्स बाय मोदी केयर, दिस इज ऑल्सो अ वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग सिस्टम। सो इमेजिन एक ऐसा प्लान जिसमें पूरी कंपनी के मंथली बीवी का 62% पे आउट है। एक ऐसा प्लान जिसको समझना, अपनी टीम में डुप्लीकेट करना बहुत आसान है। एक ऐसा प्लान जो आपको 12 तरह की इनकम देता है। एक ऐसा प्लान जिसको सपोर्ट किया जाता है वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट के साथ, हर एक प्रोडक्ट के ऊपर 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी। और एक ऐसा ट्रेनिंग सिस्टम जो सिर्फ थ्योरी नहीं, आपको प्रैक्टिकली पैसा कमाना सिखाता है। तो आई एम श्योर इस कॉम्बिनेशन के साथ आजादी का आपके घर में पहुंचना निश्चित है। आगे आने वाली वीडियोज में हम बात करेंगे इन डिटेल अबाउट समीर मोदी ग्लोबल प्लान, हर एक इनकम के बारे में और कैसे टाइटल्स को अचीव करना है। तो हमारे साथ बने रहिए। समीर मोदी ग्लोबल प्लान के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन चार सुनहरी आदतों के बारे में, 4 गोल्डन बिहेवियर्स के बारे में, जिसको यदि आप फॉलो करते हैं, अपनी टीम में सिखाते हैं और डुप्लीकेट करवाते हैं, तो आप अपने नेटवर्क को बहुत तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। इनफैक्ट समीर मोदी ग्लोबल प्लान इन चारों गोल्डन बिहेवियर्स को बहुत ही जेनरसली रिवॉर्ड भी करता है। तो क्या है वो 4 गोल्डन बिहेवियर्स? सबसे पहले है सेल्फ यूज, यानी कि खुद मोदी के प्रोडक्ट्स को अपने घर में इस्तेमाल करना। और उसके बाद है शेयर, जो प्रोडक्ट्स आपको अच्छे लगते हैं, जिसके लिए आपका अच्छा एक्सपीरियंस बनता है, उन्हें आप अपने नियर एंड डियर वंस के साथ, अपने वार्म सर्कल में, अपने हॉट सर्कल में, अपने जानने वालों के साथ शेयर करें, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें, अपने अनुभव को साझा करें। तीसरा जो बिहेवियर है उसे हम कहते हैं स्पॉन्सर। जैसे आप मोदी केयर के साथ जुड़े हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, उसी तरह से आप अपनी टीम को डेवलप करें, लोगों को स्पॉन्सर करें, अपनी टीम को आगे बढ़ाएं और उन्हें सिखाएं कि कैसे वो मोदी केयर से अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। और चौथा और बहुत ही क्रिटिकल जो बिहेवियर है उसे हम कहते हैं सपोर्ट। जब आप लोगों को स्पॉन्सर करते हैं तो स्पॉन्सर करके भूल नहीं जाना, उन्हें सपोर्ट करना है, उन्हें सिखाना है, उनके साथ टीम में, फील्ड में काम करना है, ताकि वो भी आप ही की तरह मोदी केयर को अच्छे तरीके से समझें और अपने नेटवर्क को आगे बढ़ाएं। तो अगर हम ध्यान से देखें, जो पहला बिहेवियर है जिसका नाम है सेल्फ यूज, ये आपका खुद का इंडिविजुअल पर्सनल बिहेवियर है। और आगे आने वाले जो 3 बिहेवियर्स हैं, शेयर, स्पॉन्सर एंड सपोर्ट, इन तीनों को हम इकट्ठा टीम डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं। सो सेल्फ यूज और टीम डेवलपमेंट, इसको मोदी केयर का समीर मोदी ग्लोबल प्लान बहुत अच्छे तरीके से रिवॉर्ड करता है।
रेवोल्यूशनरी बेनिफिट्स हैं सेल्फ यूज के लिए, क्रांतिकारी फायदे, ऐसे फायदे जो इंडस्ट्री के किसी भी प्लान में आप नहीं देखेंगे। और नेचुरली जब आप टीम अपनी डेवलप करते हैं, अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं, तो बहुत आसानी से आप भी आगे बढ़ते हैं। इस प्लान में टाइटल के रिक्वायरमेंट्स बहुत आसान हैं, इजीली आप अपनी टीम को सिखा सकते हैं और डुप्लीकेट कर सकते हैं और सस्टेनेबल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और इसके चलते आप अपने लिए और अपनी टीम के लोगों के लिए एक पैसिव और रेकरिंग इनकम का सोर्स खड़ा कर सकते हैं। सो अगर आप फॉलो करते हैं फॉर गोल्डन बिहेवियर्स को, तो समीर मोदी ग्लोबल प्लान से आपको 12 एरियाज ऑफ लाइफ लॉन्ग इनकम अर्न करने का मौका मिलता है। कौन कौन सी इनकम्स हैं? नंबर वन, अप टू 20% ऑफ रिटेल प्रॉफिट ऑन कंसल्टेंट प्राइस। नंबर टू, रेवोल्यूशनरी इनकम फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडस्ट्री दैट वी हैव इंट्रोड्यूस्ड, समीर मोदी सुपर बोनस। ये है पूरे कंपनी के बीवी पूल से 3%। थर्ड इनकम इज परफॉर्मेंस बोनस फ्रॉम 5% टू 11%। फोर्थ इज डायरेक्टर बोनस 16% बीवी पूल। फिफ्थ इज बाइक बोनस 3% ऑफ बीवी पूल। नंबर सिक्स इज नेशनल ट्रेवल फंड 4% बीवी पूल। नंबर सेवन इज वर्ल्ड ट्रेवल फंड 3% ऑफ बीवी पूल। नंबर एट इज कार फंड 4% ऑफ बीवी पूल। नंबर नाइन इज हाउस बोनस 2% ऑफ बीवी पूल। नंबर टेन इज लीडरशिप बोनस 15% ऑफ बीवी पूल। नंबर 11 इज ब्लैक डायमंड बोनस 0.7% ऑफ द बीवी पूल। नंबर 12 इज रेड डायमंड बोनस 0.3% ऑफ द बीवी पूल। तो ये 12 तरह की इनकम्स को कैसे कमाना है, कैसे टाइटल क्वालिफाई करने हैं, ये सब डिटेल में हम अपने आगे आने वाली वीडियोस में जानेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं समीर मोदी ग्लोबल प्लान की कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में। यदि आप इन बेसिक टर्म्स को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, तो पूरे प्लान को समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इन अ स्नैप यू कैन अंडरस्टैंड द कंप्लीट प्लान। सो लेट्स फोकस ऑन दीज बेसिक टर्म्स। हर प्रोडक्ट जो हम मोदी केयर में सेल करते हैं, हर एक प्रोडक्ट के ऊपर 4 तरह की वैल्यूज प्री असाइंड होती हैं। सबसे पहली वैल्यू है जिसे हम कहते हैं MRP। आप ऑलरेडी जानते हैं MRP का मतलब है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ये प्रिंटेड होता है हर प्रोडक्ट के ऊपर, और इससे ज़्यादा आप पैसा अपने कस्टमर से नहीं ले सकते जब भी आप मोदी केयर प्रोडक्ट किसी भी कस्टमर को सेल कर रहे हैं। सो दिस इज द मैक्सिमम रिटेल प्राइस। लेकिन आप तो मोदी केयर के कंसल्टेंट हैं, आप जब भी मोदी केयर से सामान खरीदेंगे आपको MRP पे करने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा मोदी केयर से डिस्काउंटेड प्राइस पर सामान खरीदते हैं, और उस डिस्काउंटेड प्राइस को हम कहते हैं कंसल्टेंट प्राइस। कंसल्टेंट प्राइस और MRP में जो अंतर है, यह होता है आपका रिटेल प्रॉफिट अगर आप प्रोडक्ट को खरीद कर किसी को बेच देते हैं, या अगर आप खुद ही कंज्यूम कर लेते हैं तो यह आपका डिस्काउंट है। सो कंसल्टेंट प्राइस वो प्राइस है जिसके ऊपर मोदी केयर आपको प्रोडक्ट बिल करता है। MRP और कंसल्टेंट प्राइस के बाद दो और वैल्यूज को जानना और जरूरी है। पहला है PV यानी कि पॉइंट वैल्यू, और दूसरा है BV यानी कि बिजनेस वॉल्यूम। हर प्रोडक्ट के ऊपर पहले से ही प्री असाइंड PV और BV वैल्यूज होती हैं, और इस PV और BV में एक रिलेशनशिप भी है, एक रेशियो भी है। 1 PV इज इक्वलेंट टू 27 BV। तो PV का क्या सिग्निफिकेंस है? वेल, PV आपके टाइटल्स को डिटरमिन करने के लिए यूज किया जाता है। आपका क्या टाइटल हुआ है किसी भी मंथ में, ये डिटरमिन होगा थ्रू PV। और BV का क्या सिग्निफिकेंस है? आप कितनी इनकम कमाएंगे, आपका बोनस कितना बनेगा, इसकी कैलकुलेशन डिपेंड करती है प्रोडक्ट के BV के ऊपर। और जैसा कि हमने बताया, PV और BV में एक रिलेशनशिप है विच इज 1:27। आइए एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। फॉर एग्जांपल, हमारा एक प्रोडक्ट है जिसका MRP है 1200 रुपी, और इसका कंसल्टेंट प्राइस हो सकता है 1000 रुपी। और अगर आप देखें 1000 के ऊपर यू आर गेटिंग 20% रिटेल मार्कअप, तो 1000 प्लस 20% इज 1200। और अब इसी प्रोडक्ट के ऊपर पहले से ही प्री असाइन
बीवी और पीवी भी रहेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर बीवी है 500 तो पीवी कितना होगा? यस, आप सबको पता है क्योंकि 1:27 रेशियो है, तो बीवी को जब हम 27 से डिवाइड करेंगे, 500 को जब हम 27 से डिवाइड करेंगे, तो पीवी आएगा इस केस में 18.51। तो आई होप आपको ये चार बेसिक टर्म्स क्लियर हो चुकी हैं, एमआरपी, कंसल्टेंट प्राइस, पीवी एंड बीवी। आइए आगे बढ़ते हैं और इन्हीं चार टर्म्स की अंडरस्टैंडिंग को हम और आगे बढ़ाएंगे और कुछ और बेसिक टर्म्स की बात करेंगे। तो अब हम बात करेंगे दो नई बेसिक टर्म्स की। पहला है पीपीवी, जिसे हम कहते हैं पर्सनल पॉइंट वॉल्यूम, और दूसरा है जीपीवी, जिसे हम कहते हैं ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम। नाउ ये भी बहुत सिंपल टर्म्स हैं। तो वेरी सिंपली पुट, जो भी आपने सामान अपने एमसीए नंबर पे खरीदा है, हर उस प्रोडक्ट का जो पीवी है उसका यदि हम सम टोटल कर लें किसी भी एक महीने के लिए, तो वो कहलाया जाता है आपका पर्सनल पॉइंट वॉल्यूम, इन शॉर्ट पीपीवी। आपने खुद के एमसीए नंबर पे कितना पीवी का प्रोडक्ट परचेज किया। और जब आप अपनी टीम बनाते हैं, आपके नेटवर्क में कंसल्टेंट्स हैं, वो भी मोदी केयर से प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, तो ये पूरी टीम का जो पीपीवी का सम टोटल है उसे कहा जाता है जीपीवी, यानी कि ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम। आइए कुछ एग्जांपल से पीपीवी और जीपीवी को समझते हैं। तो सामने आप देख रहे हैं इस स्क्रीन के ऊपर कि सचिन इज द अपलाइन, और सचिन ने दो लोगों को ज्वाइन कराया, राहुल एंड सौरव। तीनों ने 100 पीपीवी ईच किया। सचिन ने भी 100 पीपीवी किया, राहुल ने भी 100 पीपीवी किया, और सौरव ने भी 100 पीपीवी किया। अब आपको बताना है कि सचिन का जीपीवी कितना होगा। सो आई एम वेटिंग 10 सेकेंड्स हियर, गेस, कैलकुलेट करें सचिन का जीपीवी कितना होगा। आई एम श्योर ये आपको ऑलरेडी पता चल चुका है, पूरी टीम के पीपीवीज का सम टोटल इज जीपीवी। तो सचिन प्लस राहुल प्लस सौरव, सो जीपीवी कितना हुआ सचिन का? 300। वेरी सिंपल। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब सचिन की टीम में राहुल और सौरव तो पहले से ही हैं, सचिन ने विनोद को भी ज्वाइन करा लिया, विनोद ने 500 पीपीवी किया। राहुल और सौरव का 100 पीपीवी है, सचिन का 100 पीपीवी है। अब बताइए पूरी टीम का सचिन का जीपीवी कितना हुआ? वेरी सिंपल, 800। सो दिस इज पीपीवी एंड जीपीवी। और यदि आपको ये टर्म्स क्लियर हो चुकी हैं, तो मेरा मानना यह है कि आप पूरे समीर मोदी ग्लोबल प्लान को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे पीपीवी और जीपीवी के थ्रू आप टाइटल क्वालिफिकेशंस, टाइटल अचीवमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि समीर मोदी ग्लोबल प्लान में टाइटल्स आप कैसे अचीव कर सकते हैं। याद रहे, आपकी इनकम आपके टाइटल के ऊपर भी डिपेंड करती है, और इन टाइटल्स को अचीव करना बहुत आसान है। छोटे छोटे कदम लेकर आप आगे बढ़ते हैं, और समझना भी बहुत आसान है। तो आइए देखते हैं कि शुरुआती टाइटल्स आपको कैसे मिलेंगे। हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि जीपीवी क्या होता है। तो यदि आपका जीपीवी 60 से लेस देन 300 की रेंज तक है, यानी कि 60 या उससे ज्यादा है लेकिन 300 से कम है, इस रेंज में है, तो आप कहलाए जाएंगे कंसल्टेंट एट 5% लेवल। याद रहे, ये परसेंटेज आपकी आगे जाकर परफॉर्मेंस बोनस कैलकुलेट करने के लिए भी यूज होगी। और यदि आप अपने जीपीवी को बढ़ाते हैं और आपका जीपीवी यानी कि ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम हो जाता है 300 टू लेस देन 600, तो आप आ जाते हैं कंसल्टेंट एट 8% लेवल। इसी तरह से यदि आपका जीपीवी है 600 टू लेस देन 900, तो आप बन जाते हैं कंसल्टेंट एट 10% लेवल। आगे बढ़ते हुए यदि आपका जीपीवी है 900 टू लेस देन 1200, तो आप आ जाते हैं कंसल्टेंट एट 11% लेवल। और यदि आपका जीपीवी हो जाता है 1200 या उससे ज्यादा, तो आप बन जाते हैं डायरेक्टर एट 11% लेवल। और याद रहे, डायरेक्टर लीडरशिप टाइटल्स का पहला टाइटल है। इसी तरह से हम आगे सीनियर टाइटल्स को समझेंगे, लेकिन सीनियर टाइटल्स के बारे में बात करने से पहले एक और टर्म को हम समझते हैं, जिसे हम कहते हैं पीजीपीवी, यानी कि पर्सनल ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम। सो एक तो हमने समझा था जीपीवी, अब हम समझ रहे हैं पीजीपीवी। तो ये पीजीपीवी क्या है? बहुत आसान है इसको समझना। सो यदि आपकी टीम में कोई भी डायरेक्टर, क्वालिफाइड डायरेक्टर लेग है,
उस लेग का वॉल्यूम आप छोड़ दीजिए, बाकी जो आपकी लेग्स हैं चाहे वो 5% पे हैं, 8 पे हैं, 10 पे हैं, 11 पे हैं, एंड योर पर्सनल पीवी, इसका सम टोटल इज कॉल्ड पीजीपीवी या पर्सनल ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम। तो आइए समझते हैं इसको एग्जांपल से। पहले स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कि यहां पर अपलाइन की चार लेग्स हैं, ए बी सी डी। अपलाइन ने खुद भी 60 पीपीवी किया है। जो लेग ए है उसमें 300 जीपीवी है, लेग बी, लेग सी, लेग डी, चारों लेग्स में 300 जीपीवी ईच है। तो पीजीपीवी कितना होगा, क्योंकि नीचे कोई डायरेक्टर क्वालिफाइड लेग नहीं है, तो सारे ग्रुप का जीपीवी ही पीजीपीवी होगा। लेकिन दूसरे स्ट्रक्चर में अब हम समझते हैं कि जो लेग डी है वो डायरेक्टर क्वालिफाइड लेग है, 1200 जीपीवी है, लेकिन डी इज अ डायरेक्टर क्वालिफाइड। तो इस डी लेग का वॉल्यूम पीजीपीवी में काउंट नहीं होगा, यानी कि अपलाइन के लिए खुद का पर्सनल पीवी प्लस ए बी और सी इन लेग्स का जीपीवी विल बी पीजीपीवी फॉर द अपलाइन, जो कि इस केस में होगा 960। तो यदि आप पीजीपीवी के कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं, आगे आने वाले टाइटल्स को समझना बहुत आसान हो जाएगा, और हम देखेंगे कि आगे लीडरशिप टाइटल्स को कैसे अचीव करना है। याद रहे, जिसका पहला टाइटल है डायरेक्टर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि समीर मोदी ग्लोबल प्लान में डायरेक्टर एंड हायर टाइटल्स को कैसे अचीव करना है। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि डायरेक्टर टाइटल की क्या क्वालिफिकेशन है। वेल, आप देख रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जब वो 60 पीपीवी करते हैं मिनिमम और उनका 1200 पीजीपीवी होता है तो वो डायरेक्टर क्वालिफाई करते हैं। आगे आने वाले टाइटल्स को अचीव करना इसी डायरेक्टर टाइटल्स की अचीवमेंट के ऊपर बेस्ड है। आप अपनी टीम में डायरेक्टर्स को प्रोड्यूस करते जाएं, लोगों को सिखाते रहें कि डायरेक्टर कैसे अचीव करना है, तो आप हायर टाइटल्स को अचीव करते रहेंगे। दिस इज वेरी सिंपल। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले आप डायरेक्टर बनेंगे विद 1200 पीजीपीवी, और जब आपकी टीम में एक व्यक्ति डायरेक्टर बन जाते हैं, यानी कि आपके पास एटलीस्ट एक डायरेक्टर लेग है और आपका खुद का पीजीपीवी है मिनिमम 900, तो आप बन जाते हैं सीनियर डायरेक्टर। जब आपकी दो डायरेक्टर लेग्स हो जाती हैं और आपका पीजीपीवी है मिनिमम 600, तो आप बन जाते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। जब आपकी तीन डायरेक्टर लेग्स हो जाती हैं और आपका पीजीपीवी है मिनिमम 300, तो आप बन जाते हैं सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। फोर डायरेक्टर लेग्स, पीजीपीवी यहां पे अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, पर नेचुरली आपका पीपीवी मिनिमम 60 होना चाहिए। विथ फोर डायरेक्टर लेग्स यू बिकम अ प्लैटिनम डायरेक्टर। और ऐसे ही अपने नेटवर्क को आगे बढ़ाते रहिए। जब आपकी छह डायरेक्टर लेग्स हो जाती हैं, आपका खुद का पीपीवी है मिनिमम 60, तो आप बन जाते हैं डायमंड डायरेक्टर। इजंट इट दिस वेरी सिंपल, बहुत आसान है। खुद डायरेक्टर बनिए और अपनी टीम के लोगों को डायरेक्टर बनना सिखाइए, और जैसे जैसे आप इन टाइटल्स को अचीव करते जाएंगे, आप आगे आकर देखेंगे कि आपकी इनकम्स भी बढ़ती जाएंगी। याद रहे, डायरेक्टर से लेकर डायमंड डायरेक्टर तक 60 पीपीवी होना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। डायमंड डायरेक्टर के बाद जो नेक्स्ट टाइटल है उसे हम कहते हैं ब्लैक डायमंड। ये सीनियर लीडरशिप टाइटल्स हैं, और ब्लैक डायमंड बनने के लिए क्या करना है, वेरी सिंपल। 3 डायरेक्टर लेग्स एंड 3 एससीडी और हायर लेग्स। जैसी आपकी 3 डायरेक्टर लेग बन जाती हैं, 3 एससीडी या हायर लेग बन जाती हैं, आपको टाइटल मिलता है ब्लैक डायमंड का। अपनी डेप्थ को बढ़ाते रहिए। जब आपके पास 3 एससीडी लेग्स हो जाएंगी, 3 प्लैटिनम लेग्स हो जाएंगी, आप बन जाएंगे डबल ब्लैक डायमंड। इसी तरह से अपनी डेप्थ को और बढ़ाइए। जब आपके पास 3 प्लैटिनम लेग्स हो जाएंगी, 3 डायमंड लेग्स हो जाएंगी, आप बन जाएंगे ट्रिपल ब्लैक डायमंड। और इसी तरह से जब आपके पास 6 लेग्स हो जाएंगी ट्रिपल ब्लैक डायमंड की, तो आप बन जाते हैं रेड डायमंड। 6 लेग्स जब आपके पास हो जाती हैं रेड डायमंड की, तो आप बन जाते हैं डबल रेड डायमंड। और जब आपके पास हो जाती हैं 6 लेग्स डबल रेड डायमंड की, तो आप अचीव करते हैं मोदी केयर का सबसे हाईएस्ट टाइटल, जिसे हम कहते हैं ट्रिपल रेड डायमंड। तो आपने देखा मोदी केयर, समीर मोदी ग्लोबल प्लान में टाइटल्स को अचीव करना कितना आसान है। सबसे पहले खुद डायरेक्टर बनिए और अपनी टीम के लोगों को डायरेक्टर बनना सिखाइए, इसी को डुप्लीकेट करिए, और मोदी केयर के शीर्षतम टाइटल, हाईएस्ट टाइटल
ट्रिपल रेड डायमंड को अचीव करके हर घर में आजादी पहुंचाइए। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे समीर मोदी ग्लोबल प्लान के पहले दो इनकम्स के बारे में, जो कि शुरू हो जाती है बेस लेवल कंसल्टेंट से, जो आपको अपने सेल्फ कंजम्पशन के ऊपर भी मिल सकती हैं। जी हां, आपने एकदम सही सुना। अगर आपने अभी तक टीम डेवलपमेंट शुरू नहीं किया, सिर्फ आप अपने एमसीए नंबर के ऊपर ही प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, तो भी आपको रेवोल्यूशनरी इनकम्स मिलती हैं, जिसमें सबसे पहले जो आपको बेनिफिट मिलता है वो है रिटेल प्रॉफिट अप टू 20%। यानी कि जो भी आप मोदी के से सामान खरीदते हैं, जो भी प्रोडक्ट परचेज करेंगे, उसके लिए आपको एमआरपी पे करने की जरूरत नहीं है। आप पे करते हैं कंसल्टेंट प्राइस, जो कि एमआरपी से कम होता है, और इस कंसल्टेंट प्राइस और एमआरपी का डिफरेंस इज योर रिटेल प्रॉफिट। तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आइदर आपने सामान खरीदा और खुद यूज कर लिया, खुद कंज्यूम कर लिया, किसी को बेचा नहीं, तो हम कह सकते हैं कि एमआरपी और कंसल्टेंट प्राइस का डिफरेंस आपकी सेविंग है। लेकिन अगर आप कंसल्टेंट प्राइस पे प्रोडक्ट को खरीदते हैं और एमआरपी पे सेल कर देते हैं, फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट है जिसका कंसल्टेंट प्राइस है 1000 रुपी और एमआरपी है 1000+20% मार्कअप 1200 रुपी एज एन एग्जांपल, तो ये 200 रुपए आपका रिटेल प्रॉफिट हो जाता है। और मैं आपको ये बात कहना चाहूंगा कि आप अपने रिटेल प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा अर्न करिए, क्योंकि ये आपकी पहली क्विक इनकम है समीर मोदी ग्लोबल प्लान में। इसके अलावा जो एक बहुत ही बेहतरीन बोनस, रेवोल्यूशनरी बोनस आपको मिलता है समीर मोदी ग्लोबल प्लान में, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडस्ट्री हमने इसको इंट्रोड्यूस किया है, उसका नाम है समीर मोदी सुपर बोनस, अमेजिंग बोनस। ये कंपनी के 3% बीवी पूल से दिया जाता है। ये बोनस गोल्डन बिहेवियर, सेल्फ यूज के गोल्डन बिहेवियर को प्रमोट करता है। कैसे आप इस बोनस को अर्न कर सकते हैं? बहुत सिंपल है। यदि आपका परसेंटेज लेवल है इधर 5% और 8%, तो ही आप एलिजिबल होंगे समीर मोदी सुपर बोनस को अर्न करने के लिए। और हर 5% एंड 8% कंसल्टेंट्स जो कि करेंगे मिनिमम 60 पर्सनल पीवी, उनको हिस्सेदारी मिलेगी कंपनी के 3% बीवी पूल में। नाउ दिस इज अमेजिंग। ये पहली बार हमने इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया है। आप अपना सेल्फ पीवी, पर्सनल पीवी करिए मिनिमम 60 पीवी एंड गेट पार्टिसिपेशन इन 3% बीवी पूल। तो फॉर एग्जांपल अगर मोदी केयर का किसी एक महीने का टोटल बीवी टर्नओवर है लेट्स से 100 करोड़, तो 3% ऑफ 100 करोड़ इज 3 करोड़। नाउ दिस 3 करोड़ इन रुपीज विल बी डिवाइडेड अमंग ऑल दी समीर मोदी सुपर बोनस क्वालिफायर्स इक्वली। हर एक व्यक्ति को जो समीर मोदी सुपर बोनस में क्वालिफाई करेगा, एक शेयर मिलेगा, और ये पूरा 3% कंपनी के मंथली बीवी का उनमें इक्वली डिवाइड हो जाएगा। एंड दिस इज अ वेरी वेरी गुड बोनस। पहली बार इंडस्ट्री में, इनफैक्ट किसी भी कंपनी में इसको लॉन्च किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है। कुछ और इसमें कंडीशंस हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। पहला तो आप ऑलरेडी जान चुके हैं कि हमें पर्सनल पीवी करना है मिनिमम 60, और इस बोनस को क्वालिफाई करने के लिए हमारा जो परसेंटेज लेवल होना चाहिए वो होना चाहिए ईदर 5% या 8%। इसके अलावा जो वैलिड डायरेक्टर्स हैं, यानी कि वो सारे कंसल्टेंट्स जो एक बार डायरेक्टर क्वालिफाई कर चुके हैं, यदि वो अगले महीने या कभी भी इन फ्यूचर डायरेक्टर क्वालिफाई नहीं कर पाते या 5 और 8% पे आ जाते हैं, तो वो इस बोनस को एलिजिबल, इस बोनस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। सो वैलिड डायरेक्टर्स विल नॉट बी एलिजिबल फॉर समीर मोदी सुपर बोनस। ऑल 5% एंड 8% हु डू 60 पीपीवी विल अर्न समीर मोदी सुपर बोनस। तो पर्सनल पीवी के ऊपर, सेल्फ कंजम्पशन के ऊपर आपको रिटेल प्रॉफिट तो मिला, लेकिन साथ ही साथ आपको समीर मोदी सुपर बोनस भी मिला। शुरुआत में जब इतना बढ़िया पैसा मिलता है, तो आप जानते हैं कि आपकी जो मोदी केयर की आजादी जर्नी है वो और स्पीड अप हो जाएगी। लेकिन इतना ही नहीं है, और भी बहुत कुछ है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे परफॉर्मेंस बोनस की, और हम देखेंगे कि कैसे परफॉर्मेंस बोनस से आप अपने पर्सनल वॉल्यूम के ऊपर तो पैसा कमाते ही हैं, लेकिन जो आपके फ्रंट लाइंस हैं उनके बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर भी पैसा कमा सकते हैं। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।
इस वीडियो में हम बात करेंगे समीर मोदी ग्लोबल प्लान के थर्ड बोनस के बारे में, जिसका नाम है परफॉर्मेंस बोनस। ये आपका पहला टीम बोनस है और इस बोनस की खासियत ये है कि इस बोनस के थ्रू ना कि सिर्फ आप अपने पर्सनल पीवी पर पैसा अर्न करेंगे, लेकिन आपके जो फ्रंट लाइन्स हैं उनके ग्रुप पीवी के ऊपर भी पैसा कमा सकते हैं। तो जैसे जैसे आप अपनी टीम बढ़ाते हैं, वो आगे अपनी टीम बढ़ाते हैं, तो आप परफॉर्मेंस बोनस को और ज़्यादा अच्छे तरीके से अर्न कर सकते हैं। तो आइए डिटेल में जानते हैं क्या है परफॉर्मेंस बोनस। लेकिन उससे पहले एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं हमारे जो इनिशियल परसेंटेज टाइटल्स हैं, जिसको हम कहते हैं परफॉर्मेंस बोनस स्लैब्स, वो क्या हैं। जैसे कि आप अभी तक जान चुके हैं कि कंसल्टेंट एट 5% लेवल तक पहुंचने के लिए हमें जीपीवी करना है 60 to less than 300, और इसी तरह से कंसल्टेंट 8% जीपीवी शुड बी 300 to less than 600, कंसल्टेंट एट 10% लेवल जीपीवी शुड बी 600 to less than 900, कंसल्टेंट एट 11% लेवल जीपीवी शुड बी 900 to less than 1200, और जब हमारा जीपीवी या पीजीपीवी 1200 या उससे ज्यादा हो जाता है तो हम बन जाते हैं डायरेक्टर। नाउ ये है हमारे परसेंटेज स्लैब्स 5, 8, 10 और 11। एक बात मैं यहां पे दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, यदि हमारा जीपीवी 60 से कम है तो हमारा परसेंटेज स्लैब क्या होगा, 0 होगा। सो ये पूरा कंप्लीट टेबल है परफॉर्मेंस बोनस स्लैब्स का। नाउ परफॉर्मेंस बोनस अर्न करने के लिए जो आपका मिनिमम पर्सनल पीवी होना चाहिए वो है 30। तो जो भी कंसल्टेंट, उनका जीपीवी कितना भी क्यों ना हो, अगर पर्सनल पीवी 30 नहीं है, उससे कम है, तो वो परफॉर्मेंस बोनस को क्वालिफाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आइए देखते हैं कि कैसे कैलकुलेशंस होती हैं परफॉर्मेंस बोनस की। तो जैसे कि हमने बताया, परफॉर्मेंस बोनस के थ्रू ना कि आप सिर्फ अपने पर्सनल पीवी पर पैसा कमाएंगे, जबकि अपने फ्रंट लाइन्स के ग्रुप पीवी के ऊपर भी पैसा कमा सकते हैं। परफॉर्मेंस बोनस को और अच्छे तरीके से समझने के लिए आइए एक एग्जांपल देखते हैं। सो इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं राम अपलाइन है, उनके नीचे चार लेग्स हैं, मोहन, पीटर, आसिफ एंड जया। राम ने खुद पर्सनल पीवी किया है 60, मोहन का पर्सनल पीवी भी है 60, पीटर का पर्सनल पीवी है 80, जया ने पर्सनल पीवी किया है सिर्फ 30, और जो आसिफ हैं उनका पर्सनल पीवी है 25, लेकिन आसिफ के नीचे मुकेश हैं जिनका ग्रुप पीवी है 300। अब अगर हम इस सब को ऐड कर दें, सारे पीपीवीज और जीपीवीज को ऐड कर दें, तो हम देखेंगे कि जो राम का ग्रुप पीवी है वो बनेगा 555। 555 किस रेंज में है, 300 to less than 600, यानी कि राम का परसेंटेज लेवल हुआ 8%। इसी तरह से मोहन इज एट 5%, पीटर इज एट 5%, आसिफ जिनका ग्रुप पीवी है 325 वो भी 8% पे हैं, और जया जिनका ग्रुप पीवी सिर्फ 30 है वो है 0% पे, क्योंकि 60 to less than 300 पहला परसेंटेज स्लैब है जो कि है 5%, क्योंकि ग्रुप पीवी 60 से कम है तो जया अभी 0% पे है। अब आइए देखते हैं कि कैसे पैसा कैलकुलेट किया जाएगा इस बोनस के लिए। तो बहुत सिंपल है, परफॉर्मेंस बोनस कैलकुलेट करने के दो कंपोनेंट्स हैं। पहला, खुद के पर्सनल पीवी का जो भी हमारा परसेंटेज लेवल है वो हमें मिलेगा। सो राम का पर्सनल पीवी है 60 और उनका परसेंटेज लेवल है 8, तो कैसे कैलकुलेट होगा, 60 times 27, क्योंकि हम पीवी को पहले बीवी में कन्वर्ट करेंगे, और ये 27 क्या है, ये है पीवी बीवी रेशियो। सो 60 times 27 times 8%, 8% जो कि राम का परसेंटेज लेवल है, आंसर आया 129.6 रुपीस। ये मिला राम को अपने पर्सनल पीवी से। लेकिन परफॉर्मेंस बोनस का जो दूसरा कंपोनेंट है वो ये है कि आपको आपके फ्रंट लाइन्स के ग्रुप पीवी के ऊपर भी पैसा मिलता है। तो अगर हम यहां पे देखें, मोहन का जो परसेंटेज लेवल है वो है 5%, राम का है 8%, तो 8 minus 5 हुआ 3, तो राम को मोहन 3% मिलेगा। सो 60 times 27 times 3% 48.6। इसी तरह पीटर से मिलेगा 64.8, जया जो कि 0% पे है तो जया के पूरे वॉल्यूम पे 8% पूरे का पूरा मिल जाएगा। अब हम आते हैं आसिफ की लेग पे। आसिफ का यदि हम देखें तो ग्रुप पीवी है 325,
जो कि किस रेंज में है, 300 लेस देन 600। सो आसिफ ऑल्दो इज एट 8%। वैसे तो 8-8 जीरो होता है, राम को आसिफ के लेग से कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, लेकिन क्योंकि आसिफ का पर्सनल पीवी 30 से कम है, आसिफ ने आप देख रहे हैं कि सिर्फ 25 किया है, तो राम को आसिफ के इस 25 पर्सनल पीवी के ऊपर 8% मिलेगा। हम यहां पर कह सकते हैं कि ऑल्दो आसिफ का ग्रुप पीवी है 325, आसिफ इज एट 8%, क्योंकि आसिफ ने 30 से कम किया है, तो आसिफ परफॉर्मेंस बोनस कमाने के लिए एलिजिबल नहीं है, इसीलिए आसिफ का पर्सनल पीवी का बेनिफिट राम को दे दिया गया है। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट परफॉर्मेंस बोनस। दो कंपोनेंट्स हैं, पहले खुद के पर्सनल पीवी का परसेंटेज और फिर उसके बाद डिफरेंशियल परसेंटेज फ्रॉम ईच ऑफ द लेग। अब अगर हम इन सबको इकट्ठा जोड़ लें, 129.6 फ्रॉम पर्सनल पीवी, 48.6 फ्रॉम मोहन्स लेग्स, 64.8 फ्रॉम पीटर लेग, 64.8 फ्रॉम जया एंड 54 फ्रॉम आसिफ, ये टोटल बन जाता है 361.8 और ये हुआ राम का परफॉर्मेंस बोनस। सो आई एम श्योर आप अभी तक परफॉर्मेंस बोनस को समझ चुके हैं, और एक बार समराइज करने के लिए मैं आपको बता देता हूं, आपके खुद के पर्सनल पीवी का जो भी आपका परसेंटेज लेवल है उस हिसाब से मिलेगा, प्लस आपके फ्रंटलाइन से आपको डिफरेंशियल मिलेगा। तो आप खुद अपना पर्सनल पीवी बढ़ाइए और अपने जीपीवीज को, अपने फ्रंटलाइन के जीपीवी को बढ़ाइए और परफॉर्मेंस बोनस का भरपूर फायदा लीजिए। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यदि आप समीर मोदी ग्लोबल प्लान से सिग्निफिकेंट इनकम लेना चाहते हैं, तो जो पहला माइलस्टोन है आपकी आजादी की जर्नी में वो है डायरेक्टर टाइटल। जी हां, हमारे लीडरशिप टाइटल्स में जो सबसे पहली पायदान है, जो सबसे पहला माइलस्टोन है, वो है डायरेक्टर टाइटल का। और अभी तक आप जान चुके हैं कि डायरेक्टर टाइटल कैसे अचीव करना है, जब आपका पीजीपीवी 1200 या उससे ज्यादा होता है और आपने मिनिमम 60 पर्सनल पीवी किया है, तो आप डायरेक्टर क्वालिफाई कहलाए जाते हैं। हमारी आगे आने वाली सारी इनकम्स, चाहे वो डायरेक्टर बोनस है, चाहे वो हमारी लाइफस्टाइल इनकम्स हैं, फॉर एग्जांपल बाइक बोनस, नेशनल ट्रेवल फंड, वर्ल्ड ट्रेवल फंड, कार फंड एंड हाउस बोनस, ये सारी डिपेंड करती हैं डायरेक्टर बोनस पॉइंट्स के ऊपर। तो इससे पहले कि हम अगली इनकम विच इज डायरेक्टर बोनस उसके बारे में बात करें, इस वीडियो में हम देखेंगे कि डायरेक्टर बोनस पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट करने हैं, और फिर डायरेक्टर बोनस पॉइंट्स के ऊपर ही आपके आगे आने वाली ज्यादातर इनकम बेस रहेंगी। तो लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू कैलकुलेट डायरेक्टर बोनस। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख रहे हैं डायरेक्टर बोनस पॉइंट टेबल। ये क्या दिखा रहा है टेबल? तो जो पहला कॉलम है वो है आपका टाइटल, डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड सो ऑन। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है वहां पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है यू, यानी कि आपको पर्सनल जो आपका ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम है पीजीपीवी, उसके ऊपर कितने परसेंट डायरेक्टर बोनस पॉइंट्स मिलेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यू यानी कि पीजीपीवी के ऊपर आपको मिलते हैं 6% डायरेक्टर बोनस पॉइंट्स। उसके बाद जो कॉलम है उसमें लिखा हुआ है 1, इसका मतलब यह है कि जो आपकी फर्स्ट डायरेक्टर एंड हायर जनरेशन है, वहां से आपको मिलेंगे 5% डायरेक्टर बोनस पॉइंट्स, सेकेंड जनरेशन से 4%, थर्ड जनरेशन से 3% एंड सो ऑन। और ये डायरेक्टर बोनस पॉइंट्स आपको मिलते हैं अप टू 9 जनरेशंस। कितनी जनरेशंस तक का आपको बेनिफिट मिलेगा ये डिपेंड करता है कि आपका उस महीने का पेड एज टाइटल क्या था। अगर हम सिर्फ डायरेक्टर थे तो हमें सिर्फ पीजीपीवी से ही डायरेक्टर बोनस पॉइंट्स मिलेंगे। अगर हमारा टाइटल सीनियर डायरेक्टर है तो पीजीपीवी से तो 6% मिलेंगे प्लस 1 जनरेशन मोर जहां से मिलेंगे 5%। लेकिन यदि आप बन जाते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो आपको 3 जनरेशन तक का बेनिफिट मिलता है। यदि आप बन जाते हैं सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो आपको 4 जनरेशन तक का बेनिफिट मिलता है। और आप देख रहे हैं कि ट्रिपल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर एंड ऑनवर्ड्स आपको पूरी 9 जनरेशन तक का बेनिफिट मिलता है। सो दिस इज डायरेक्टर बोनस पॉइंट्स टेबल। अब इसी टेबल को बेस में रखकर हम देखेंगे कि डायरेक्टर बोनस की कैलकुलेशंस कैसे होती हैं। आइए एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि डायरेक्टर बोनस पॉइंट्स की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि शशि जो कि अपलाइन है, उनका टाइटल है सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर,
उनका पर्सनल पीवी है 100 और उनका पीजी पीवी है 300। उनकी चार लेग्स हैं, मीरा जो कि एक नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर है, उनका पीजी पीवी है 600, लेकिन मीरा के नीचे गोपाल हैं जो कि क्वालिफाइड डायरेक्टर हैं विद अ पीजी पीवी ऑफ 1800। रॉबर्ट भी एक क्वालिफाइड डायरेक्टर हैं विद अ पीजी पीवी ऑफ 1300। आसिफ सीनियर डायरेक्टर हैं पीजी पीवी ऑफ 900 और आसिफ के नीचे जेम्स हैं जिनका पीजी पीवी है 1200 और वो एक क्वालिफाइड डायरेक्टर हैं। फोर्थ लेग है शाम की जो कि 5% पे हैं, जी पी वी ऑफ 200 और यही जी पी वी जो 200 है 5% पे शाम का, ये शशि के पी जी पी वी में ऐड होगा जिससे कि शशि का पी जी पी वी बन जाएगा 300। शशि सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और अब हम देखेंगे कि कैसे उनके डायरेक्टर बोनस पॉइंट्स की कैलकुलेशन होगी। सबसे पहले शशि के पी जी पी वी के 6% डायरेक्टर बोनस पॉइंट्स मिलेंगे। सो 6% ऑफ 300 टाइम्स 27, क्योंकि हमें पीवी को बीवी में कन्वर्ट करना है, ये बना 486। अब हम आते हैं मीरा की लेग पे। मीरा जो कि नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर है, ये जनरेशन नहीं माना जाएगा। फर्स्ट जनरेशन कौन है? गोपाल जो कि क्वालिफाइड डायरेक्टर है, लेकिन मीरा का नॉन क्वालिफाइड वॉल्यूम गोपाल की फर्स्ट जनरेशन के साथ मर्ज कर दिया जाएगा शशि के डायरेक्टर बोनस पॉइंट्स की कैलकुलेशन के लिए। सो इन दी मीराज लेग जो फर्स्ट जनरेशन में वॉल्यूम है वो है मीरा प्लस गोपाल का पीजी पीवी यानी कि 2400 और फर्स्ट जनरेशन से हमें मिलते हैं 5% डायरेक्टर बोनस पॉइंट्स। तो ये बने 5% ऑफ 2400 टाइम्स 27 3240। रॉबर्ट और आरिफ भी फर्स्ट जनरेशन है, तो रॉबर्ट का पीजी पीवी है 1300, आसिफ का पीजी पीवी है 900, इन दोनों से हमें डायरेक्टर बोनस पॉइंट्स मिलेंगे 2970। आसिफ के नीचे जेम्स हैं जिनका पीजी पीवी है 1200, लेकिन वो सेकंड जनरेशन है और सेकंड जनरेशन से डायरेक्टर बोनस पॉइंट्स मिलते हैं 4%। तो 4% ऑफ 1200 टाइम्स 27 ये हुआ 1296 और यदि हम इन सारे डायरेक्टर बोनस पॉइंट्स को जोड़ लें तो शशि के जो डायरेक्टर बोनस पॉइंट्स बनेंगे इस स्ट्रक्चर में वो है 7992। इन डायरेक्टर बोनस पॉइंट्स को अब रुपी वैल्यू में कन्वर्ट किया जाएगा सारे बोनसेस की कैलकुलेशंस के लिए, जैसे कि डायरेक्टर बोनस, बाइक बोनस, नेशनल ट्रेवल फंड एंड सो ऑन एक्सेप्ट लीडरशिप बोनस। सो दिस वॉज हाउ टू कैलकुलेट डायरेक्टर बोनस पॉइंट्स। एक बार यदि आपको पता चल गया कि डायरेक्टर बोनस पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट करने हैं तो आप बाकी सारे बोनसेस की इनकम बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे कैसे डायरेक्टर बोनस मिलता है और कैसे बाकी बहुत ही शानदार लाइफस्टाइल बोनसेस अर्न किए जा सकते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे समीर मोदी ग्लोबल प्लान की फोर्थ इनकम के बारे में जो कि है डायरेक्टर बोनस। और मैं आपको ये बता दूं, ये एक बहुत ही शानदार इनकम है जिससे कि आप अपनी आजादी की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। क्यों ये शानदार है? क्योंकि हर क्वालिफाइड डायरेक्टर एंड हायर टाइटल को ये दी जाती है मंथली फ्रॉम द 16% बीवी पूल। यस, कंपनी के मंथली बिजनेस वॉल्यूम के 16% के पूल से ये डायरेक्टर एंड हायर को दी जाती है मंथली। सो यदि आप पेरेंट्स टाइटल डायरेक्टर हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, टिल ट्रिपल रेड ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, ये सबको दिया जाता है मंथली। कैसे दिया जाएगा? बहुत सिंपल है, हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि डायरेक्टर बोनस बेस्ड है डायरेक्टर बोनस पॉइंट्स के ऊपर। तो सबसे पहले आपके डायरेक्टर बोनस पॉइंट्स देखे जाएंगे कितने हैं और उन डायरेक्टर बोनस पॉइंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा डायरेक्टर बोनस पॉइंट वैल्यू के साथ। और जैसे ही आप डायरेक्टर बोनस को डायरेक्टर बोनस पॉइंट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट योर डायरेक्टर बोनस। डायरेक्टर बोनस पॉइंट वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला है जो कि अगेन बहुत सिंपल है। जैसे कि आप जानते हैं कि डायरेक्टर बोनस कंपनी के 16% के बीवी पूल से दिया जाता है। सो फॉर्मूला क्या है? 16% ऑफ टोटल मोदी के बिजनेस वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल डायरेक्टर बोनस पॉइंट्स अर्न बाय ऑल डायरेक्टर बोनस क्वालिफायर्स। तो जितने भी डायरेक्टर बोनस पॉइंट्स सारे डायरेक्टर्स एंड अबव ने अर्न किए हैं एक महीने में मोदी केयर के 16% के बीवी पूल को उन डायरेक्टर बोनस पॉइंट्स से डिवाइड कर दिया जाएगा
जो आंसर आएगा उसे हम कहेंगे डायरेक्टर बोनस पॉइंट वैल्यू। आपके डायरेक्टर बोनस पॉइंट्स को इस डायरेक्टर बोनस पॉइंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके आपका डायरेक्टर बोनस इन रुपी वैल्यू कैलकुलेट हो जाता है। सो अगर आप डायरेक्टर बनते हैं तो आप डायरेक्टर बोनस के हकदार बनते हैं और कंपनी के 16% के पूल में आ जाते हैं। फटाफट खुद डायरेक्टर बनिए, अपनी टीम से भी डायरेक्टर बनाइए और अपनी आजादी की जर्नी को और तेजी से आगे बढ़ाइए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। समीर मोदी ग्लोबल प्लान से ना कि सिर्फ आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन समीर मोदी ग्लोबल प्लान के लाइफस्टाइल बोनसेस के थ्रू आप खुलकर शान से जी भी सकते हैं, अपने हर सपने को पूरा कर सकते हैं। तो जो भी आपका सपना है, एक शानदार बाइक का, सैर सपाटे का, चाहे वो नेशनल ट्रेवल हो चाहे वो इंटरनेशनल ट्रेवल हो, एक लग्जरी कार का और हाउस का, वो आप सब पूरा कर सकते हैं समीर मोदी ग्लोबल प्लान के लाइफस्टाइल बोनसेस के थ्रू। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि समीर मोदी ग्लोबल प्लान के लाइफस्टाइल बोनसेस को कैसे अर्न करना है। सबसे पहला जो हमारा लाइफस्टाइल बोनस है उसे हम कहते हैं बाइक बोनस। जी हां, मुझे मालूम है आपने बचपन से एक बहुत ही शानदार अपने खुद के पैसे से कमाई हुई बाइक लेने का सपना संजो के रखा है। आप किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहते। आप चाहते हैं कि जब आप मोदी के बिजनेस के लिए घर से बाहर निकलें तो आप अपने हस्बैंड को या ब्रदर को या फादर को रिक्वेस्ट ना करें, आप खुद इंडिपेंडेंटली जा सकें और इस बिजनेस को तेजी से डेवलप कर सकें। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं बाइक बोनस। ये मोदी केयर के मंथली बीवी के 3% के पूल से दिया जाता है एवरी मंथ टू ऑल दी पेड एज टाइटल डायरेक्टर्स। जैसे ही आप डायरेक्टर बनते हैं, जिस महीने आप डायरेक्टर बनते हैं उस महीने आपको मिलता है बाइक बोनस। इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान है। आपके डायरेक्टर बोनस पॉइंट्स को बाइक बोनस पॉइंट वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाता है और आपका बाइक बोनस इन रुपी वैल्यू आ जाता है। तो यदि आप खुलकर मोदी के बिजनेस को डेवलप करना चाहते हैं, फटाफट डायरेक्टर बने और बाइक बोनस को अर्न करें। हमारा जो नेक्स्ट लाइफस्टाइल बोनस है वो है नेशनल ट्रेवल फंड। भारत में खूब सारी एग्जॉटिक लोकेशंस हैं जिसकी चर्चा पूरी दुनिया भर में होती है, और कैसा रहे अगर इन एग्जॉटिक लोकेशंस पे आप मोदी घर के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई लीडरशिप कॉन्फ्रेंसेस में हिस्सा लें। तो उसके लिए हम लेकर आए हैं नेशनल ट्रेवल फंड। इसमें ना कि आपको सीखने को बहुत सारा मिलता है इन लीडरशिप कॉन्फ्रेंसेस में, लेकिन आपको सैर सपाटे का भी बहुत मौका मिलता है। आप जो जगह जगह घूमना चाहते हैं भारत के, उन एग्जॉटिक लोकेशंस में मोदी केयर आपको लेकर जाता है। कौन कौन हकदार हैं नेशनल ट्रेवल फंड के? सो डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इन तीन पेड एस टाइटल डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को नेशनल ट्रेवल फंड मिलता है। कंपनी के 4% बीवी पूल को हमने रिजर्व किया है टू बी पेड एज नेशनल ट्रेवल फंड। इस फंड को आप एक्यूमुलेट करते हो और जो कंपनी अनाउंस करती है डोमेस्टिक लीडरशिप कॉन्फ्रेंसेस, नेशनल लीडरशिप कॉन्फ्रेंसेस, तो उस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए आप इस फंड को यूटिलाइज कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट होता है? बहुत सिंपल है। आपके डायरेक्टर बोनस पॉइंट्स को मल्टीप्लाई किया जाता है नेशनल ट्रेवल फंड पॉइंट वैल्यू के साथ और आपका नेशनल ट्रेवल फंड इन रुपी वैल्यू आ जाता है। तो फटाफट डायरेक्टर बनिए। जैसे आप डायरेक्टर बनते हैं आपको डायरेक्टर बोनस मिलता है, नेशनल ट्रेवल फंड मिलता है, और सीनियर डायरेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी नेशनल ट्रेवल फंड के हकदार रहते हैं। अगला जो हमारा लाइफस्टाइल बोनस है उसे हम कहते हैं वर्ल्ड ट्रेवल फंड। जी हां, जैसे जैसे आप बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं आप सिर्फ नेशनली नहीं घूमते, आप इंटरनेशनल लीडरशिप कॉन्फ्रेंसेस का भी हिस्सा बन सकते हैं। कैसा रहे अगर दुनिया भर की जो सबसे टॉप मोस्ट एग्जॉटिक लोकेशंस हैं वहां पर आपको मोदी केयर के लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। अगर आप जाना चाहते हैं मोदी केयर के फॉरेन ट्रेवल्स पे, तो कौन सा टाइटल अचीव करना है, उस टाइटल का नाम है सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। जब आपको 3 लेग क्वालिफाइड डायरेक्टर्स चाहिए और आपका पीजीपी भी होना चाहिए मिनिमम 300, यू बिकम सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और सारे सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड हायर टाइटल्स को मिलता है वर्ल्ड ट्रेवल फंड, जो कि हम देते हैं कंपनी के 3% के बीवी पूल से। कैसे कैलकुलेट होगा? आपके डायरेक्टर बोनस पॉइंट्स को
मल्टीप्लाई किया जाता है वर्ल्ड ट्रेवल फंड पॉइंट वैल्यू के साथ और आपका वर्ल्ड ट्रेवल फंड इन रूपी वैल्यू आ जाता है। ये फंड भी एक्यूमुलेट होगा जिसको आप यूटिलाइज करते हैं मोदी के द्वारा अनाउंस की गई इंटरनेशनल वर्ल्ड ट्रेवल्स के लिए। मैक्सिमम जो एक महीने में हम वर्ल्ड ट्रेवल फंड कमा सकते हैं वो है ₹40,000, यानी कि जो मंथली कैप है वो है ₹40,000 की। तो यदि आप अपने फॉरेन ट्रेवल के सपने को पूरा करना चाहते हैं तो जो टाइटल आपको अचीव करना है वो है सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब हमने बाइक बोनस के थ्रू अपनी एक शानदार बाइक का सपना पूरा किया, हमने नेशनल ट्रेवल फंड के थ्रू भारत में हमने मोदी के साथ ऑर्गेनाइज की गई लीडरशिप कॉन्फ्रेंसेस का हिस्सा बने, वर्ल्ड ट्रेवल के थ्रू हम फॉरेन ट्रेवल्स में गए, और अगर आपका सपना है एक शानदार आलीशान गाड़ी का, एक लंबी कार का, तो आप ये सपना पूरा कर सकते हैं मोदी केयर के अगले लाइफ स्टाइल बोनस के थ्रू जिसका नाम है कार फंड। ये कार फंड मोदी केयर के 4% बीवी पूल से दिया जाता है और इसको अर्न करने के लिए जो आपका मिनिमम टाइटल होना चाहिए वो है प्लैटिनम डायरेक्टर, यानी कि जब आपके पास 4 डायरेक्टर एंड अबव लेग्स हैं, आपका पर्सनल बीवी मिनिमम 60 है, आप बन जाते हैं प्लैटिनम डायरेक्टर। और हर प्लैटिनम डायरेक्टर एंड हायर टाइटल को मंथली कंपनी के 4% के बीवी पूल के थ्रू कार फंड पे किया जाता है। नेचुरली क्योंकि ये फंड है ये भी एक्यूमुलेट होगा, और जब भी आप अपनी पसंदीदा कार लेना चाहेंगे तो आप इस एक्यूमुलेटेड फंड को यूज कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट होता है कार फंड? आपके डायरेक्टर बोनस पॉइंट्स को कार फंड पॉइंट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके आपका मंथली कार फंड कैलकुलेट किया जाता है। तो हमने अब विदेशों की यात्रा कर ली, हमने कार भी अब ले ली, लेकिन अब जो एक बहुत बड़ा सपना सबका होता है मुझे मालूम है वो है एक सुंदर आलीशान लग्जूरियस घर। और उस घर के सपने को पूरा करने के लिए मोदी के नाते लेकर आया है हाउस बोनस। हाउस बोनस कंपनी के 2% के बीवी पूल से दिया जाता है और सारे डायमंड डायरेक्टर एंड हायर इस बोनस के लिए एलिजिबल हैं। डायमंड डायरेक्टर आप कैसे बनते हैं? जब आपके पास 6 डायरेक्टर एंड हायर लेग्स हैं और आपका पर्सनल बीवी मिनिमम 60 है तो आप बन जाते हैं डायमंड डायरेक्टर और इस पूल की हिस्सेदारी में आ जाते हैं। हाउस बोनस कैसे कैलकुलेट होगा? बहुत सिंपल है, आपके डायरेक्टर बोनस पॉइंट्स को मल्टीप्लाई किया जाता है हाउस बोनस पॉइंट वैल्यू के साथ और आपका हाउस बोनस इन रूपी वैल्यू कैलकुलेट हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि इन सारे लाइफ स्टाइल बोनसेस को यदि आप अर्न करना चाहते हैं तो जो एक टाइटल की यूनिट है वो है डायरेक्टर। जैसे आप पहले खुद डायरेक्टर बनते हैं, आपको डायरेक्टर बोनस और बाइक बोनस और नेशनल ट्रेवल फंड मिलना शुरू हो जाता है। जब आप अपनी टीम्स में डायरेक्टर बनाते हैं तो आपको बाकी लाइफ स्टाइल बोनसेस भी मिलने शुरू हो जाते हैं। जैसे आप SED बनेंगे विथ 3 डायरेक्टर लेग्स आपको मिलेगा वर्ल्ड ट्रेवल फंड। जब आप प्लैटिनम डायरेक्टर बनते हैं विथ 4 डायरेक्टर लेग्स आपको मिलता है कार फंड। और जब आप डायमंड डायरेक्टर बनते हैं विथ 6 डायरेक्टर लेग्स आपको मिलता है हाउस बोनस। सो फटाफट डायरेक्टर बनिए, अपनी टीम में डायरेक्टर प्रोड्यूस कर आइए और इन सारे लाइफ स्टाइल बोनसेस का आनंद लीजिए। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं समीर मोदी ग्लोबल प्लान के सबसे बड़े बोनस के बारे में जिसका नाम है लीडरशिप बोनस। आप सब जानते हैं दैट लीडर्स डोंट क्रिएट फॉलोअर्स, लीडर्स क्रिएट मोर लीडर्स। तो अगर आप अपनी टीम में लीडर्स को बिल्ड करते हैं तो आपको समीर मोदी ग्लोबल प्लान से खूब सारा फायदा पहुंचेगा। तो आइए देखते हैं लीडरशिप बोनस जो कि कंपनी के 15% के पूल से दिया जाता है उसको कमाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपका पेरेंट्स टाइटल होना चाहिए सीनियर डायरेक्टर और हायर, यानी कि आप मिनिमम सीनियर डायरेक्टर हो या उससे भी बड़ा कोई भी आपका टाइटल हो सकता है। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास एटलीस्ट एक लेग ऐसी हो जिसका ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम हो मिनिमम 3,600 और उस लेग में कहीं पर भी एक पैट डायरेक्टर और हायर होना चाहिए। सो यदि आप खुद सीनियर डायरेक्टर और हायर हैं और आपके पास एटलीस्ट एक लेग है जिसका वॉल्यूम 3,600 या उससे ज्यादा है और उसमें एटलीस्ट एक पैट डायरेक्टर और हायर है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं लीडरशिप बोनस के लिए। लीडरशिप बोनस सिर्फ उन्हीं लेग्स के ऊपर पे किया जाता है जिसमें 3,600 का वॉल्यूम है विद 1 पैट डायरेक्टर और हायर,
और ये मंथली पे किया जाता है फ्रॉम 15% बीवी पूल। लीडरशिप बोनस को कैलकुलेट करने के लिए आपके लीडरशिप बोनस पॉइंट्स को मल्टीप्लाई किया जाता है लीडरशिप बोनस पॉइंट वैल्यू के साथ, और इस तरह से लीडरशिप बोनस इन रुपी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लीडरशिप बोनस बेस्ड है लीडरशिप बोनस पॉइंट टेबल के ऊपर। तो आइए देखते हैं लीडरशिप बोनस पॉइंट टेबल क्या कहता है। हम यहां पे देख रहे हैं कि जो फर्स्ट कॉलम है उसमें लिखा हुआ है टाइटल, पहली रो है सीनियर डायरेक्टर, यानी कि हमें बता रहा है कि लीडरशिप बोनस सीनियर डायरेक्टर्स और हायर को ही मिलता है, और ये जाता है टिल ट्रिपल रेड डायमंड डायरेक्टर तक। सेकेंड कॉलम में अगर आप देखें तो उस कॉलम में लिखा हुआ है यू, सीनियर डायरेक्टर को उसके पीजीपीवी पर मिलता है 5% लीडरशिप बोनस पॉइंट्स, और सीनियर डायरेक्टर एलिजिबल हैं फर्स्ट जनरेशन डायरेक्टर और हायर से 5% लीडरशिप बोनस पॉइंट्स लेने के। लेकिन जैसे हम आगे बढ़ते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आप देख रहे हैं कि पीजीपीवी के ऊपर पॉइंट्स नहीं दिए जाते, लेकिन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 3 डायरेक्टर और हायर जनरेशन के लिए एलिजिबल हैं। नेचुरली फर्स्ट जनरेशन से 5% पॉइंट, सेकेंड जनरेशन से 4% और थर्ड जनरेशन से 3% पॉइंट्स। इसी तरह से सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 4 डायरेक्टर एंड अबव जनरेशन के लिए एलिजिबल हैं, और अगर हम देखें फ्रॉम ब्लैक डायमंड डायरेक्टर एंड अबव सबको 7 जनरेशन डीप तक लीडरशिप बोनस पॉइंट्स दिए जाते हैं। तो आपने जितने भी लीडरशिप बोनस पॉइंट्स अर्न किए हैं उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा लीडरशिप बोनस पॉइंट वैल्यू के साथ आपके लीडरशिप बोनस को कैलकुलेट करने के लिए, और बिलीव अस ये आपका एक सबसे बड़ा बोनस साबित हो सकता है। इस बोनस को और अच्छे तरीके से समझने के लिए आइए कुछ स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल्स लेते हैं। इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि जो अपलाइन है उनका टाइटल है सीनियर डायरेक्टर विद अ पीजीपीवी ऑफ 1100, और उनके नीचे एक लेग है ए, ए के नीचे है बी, पूरी लेग का वॉल्यूम है 3600। बी एक डायरेक्टर है जिनका ग्रुप पीवी है 2500, और ए भी एक सीनियर डायरेक्टर है जिनका ग्रुप पीवी है 3600 विद अ पीजीपीवी ऑफ 1100। नाउ इसमें यदि हम देखें यू एंड ए बोथ आर सीनियर डायरेक्टर्स, लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं यू और ए में से कौन लीडरशिप बोनस कमाने का हकदार है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं यू को लीडरशिप बोनस मिलेगा लेकिन ए को लीडरशिप बोनस नहीं मिलेगा, क्योंकि लीडरशिप बोनस कमाने के लिए नेचुरली टाइटल सीनियर डायरेक्टर तो होना ही चाहिए, लेकिन एटलीस्ट एक लेग ऐसी होनी चाहिए जिसका वॉल्यूम 3600 है। तो यू के नीचे ए का वॉल्यूम 3600 है लेकिन ए के नीचे बी का वॉल्यूम सिर्फ अभी तक 2500 ही है। तो यू विल अर्न लीडरशिप बोनस, कैसे मिलेगा यू को लीडरशिप बोनस, 5% ऑफ पीजीपीवी यानी कि 1100 टाइम्स 27 टाइम्स 5% 1485, और फर्स्ट जनरेशन में है ए, उनके पीजीपीवी का 5% 1485। इनको यदि हम जोड़ दें तो टोटल लीडरशिप बोनस पॉइंट्स बनते हैं 2970। अब इन 2970 लीडरशिप बोनस पॉइंट्स को लीडरशिप बोनस पॉइंट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके इन रुपी वैल्यू हम लीडरशिप बोनस काउंट कर सकते हैं। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में द अपलाइन इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, दो लेग्स क्वालिफाइड हैं, ए के नीचे बी के नीचे सी, और एक दूसरी लेग है डी, लेकिन सिर्फ एक ही लेग ऐसी है जहां पर जो टोटल ग्रुप पीवी है वो 3600 या उससे ज्यादा है, यानी कि यहां पे यू को सिर्फ ए वाली लेग से ही लीडरशिप बोनस पॉइंट्स मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, सबसे पहले ए के पीजीपीवी के ऊपर 5% क्योंकि ए फर्स्ट जनरेशन में है, बी के पीजीपीवी के ऊपर 4% क्योंकि बी सेकंड जनरेशन में है, और सी के पीजीपीवी के ऊपर 3% क्योंकि सी थर्ड जनरेशन में है। यू को अपलाइन को खुद के पीजीपीवी के ऊपर पॉइंट्स नहीं मिलेंगे क्योंकि यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, और यू को उनकी दूसरी लेग जो कि है डी जो डायरेक्टर है उसके ऊपर भी पॉइंट्स नहीं मिलेंगे क्योंकि उस लेग का वॉल्यूम 3600 से कम है। तो जितने यू के लीडरशिप बोनस पॉइंट्स बने उनको मल्टीप्लाई किया जाएगा लीडरशिप बोनस पॉइंट वैल्यू के साथ और यू का लीडरशिप बोनस आ जाएगा। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और दोनों ही लेग्स लीडरशिप बोनस के ऊपर हैं, यानी कि दोनों लेग्स में जो वॉल्यूम है वो 3600 या उससे ज्यादा है।
तो इस केस में यू को ए और डी जो कि फर्स्ट जनरेशन में आते हैं उनके पीजीपीवी के ऊपर 5% मिलेंगे, बी और ई जो कि सेकेंड जनरेशन में आते हैं उनके पीजीपीवी के ऊपर 4% पॉइंट्स मिलेंगे, और सी और एफ जो कि थर्ड जनरेशन में आते हैं उनके पीजीपीवी के ऊपर 3% पॉइंट्स मिलेंगे। अगेन सारे लीडरशिप बोनस पॉइंट्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा पॉइंट वैल्यू के साथ और आपका लीडरशिप बोनस कैलकुलेट हो जाएगा। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल कि अगर किसी स्ट्रक्चर में कोई नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर है तो कैसे उस नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर के वॉल्यूम को ट्रीट किया जाएगा लीडरशिप बोनस कैलकुलेशन के लिए। इस स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कि यू जो कि एक लीडरशिप बोनस क्वालिफायर है, उनके नीचे ए है जो कि एक नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर है, बी फर्स्ट जनरेशन डायरेक्टर और हायर है, नेचुरली इस केस में वो मिनिमम सीनियर डायरेक्टर होंगे, लेकिन सी और डी भी एनक्यूडी हैं और ई जो है वो एक क्वालिफाइड है। तो यू की जो फर्स्ट जनरेशन बनी वो बनी बी और सेकेंड जनरेशन हुई ई। ए सी और डी जो कि नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर हैं इनके वॉल्यूम के ऊपर लीडरशिप बोनस पॉइंट्स पे नहीं किए जाएंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं कि यदि हमारे लेग्स में कोई एक ऐसा टाइटल आता है जिनका पेड एस टाइटल हमारे टाइटल से अपलाइन के टाइटल से ऊंचा है, बड़ा है, तो क्या होगा। सो अगर डाउनलाइन में कोई भी अपलाइन से बड़ा टाइटल आ जाता है तो अपलाइन को उस टाइटल और उसके नीचे वाली जनरेशन के ऊपर लीडरशिप बोनस पॉइंट्स पे नहीं किए जाएंगे। लेकिन यदि इक्वल टाइटल आता है तो उस टाइटल पर उनके पीजीपीवी पर पॉइंट्स देंगे और एक जनरेशन और पीजीपीवी के ऊपर पॉइंट्स मिलेंगे। दिस इज सब्जेक्ट टू दी डेप्थ एलिजिबिलिटी। आईएन रूल्स को और अच्छे तरीके से समझने के लिए एक स्ट्रक्चर का एग्जांपल लेते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि यू जो कि एक डायमंड डायरेक्टर है उनके नीचे ए वो भी एक डायमंड डायरेक्टर है, यानी कि यू और ए का टाइटल बराबर है। तो इस केस में क्या होगा, यू की जो बाकी जितनी भी लीडरशिप बोनस लेग्स हैं उनको यू के टाइटल की डेप्थ एलिजिबिलिटी के हिसाब से सारे वॉल्यूम के ऊपर लीडरशिप बोनस पॉइंट्स मिलेंगे और इस लेग के ऊपर भी डायरेक्टर बोनस पॉइंट्स एज पर यूज डेप्थ एलिजिबिलिटी मिलेंगे। लेकिन यहां पर यदि यू चाहते हैं कि वो अपने बाकी सारी डेप्थ जनरेशन के ऊपर भी बेनिफिट लें तो वो अपने टाइटल को एक और स्टेप हायर कर सकते हैं और उनके पूरे जनरेशन एलिजिबिलिटी के हिसाब से उनको लीडरशिप बोनस पॉइंट्स मिलेंगे। इन दिस केस यू विल अर्न फ्रॉम दिस लेग ओनली ऑन ए प्लस वन मोर जनरेशन, लेकिन बाकी सारी लेग्स के ऊपर उनको लीडरशिप बोनस पॉइंट्स एज पर हिज डेप्थ एलिजिबिलिटी विल बी गिवन। और याद रहे इस लेग से भी पूरी डेप्थ तक जहां तक वो एलिजिबल हैं डायरेक्टर बोनस पॉइंट्स दिए जाएंगे। और इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि यू के नीचे अब जो ए है उनका टाइटल यू से बड़ा है, ब्लैक डायमंड डायरेक्टर है। आप इमेजिन कर सकते हैं यदि आपकी डाउन में एक ब्लैक डायमंड डायरेक्टर हो तो कितने सारे डायरेक्टर्स और कितनी सारी डेप्थ होगी। उस सारे वॉल्यूम के ऊपर आपको डायरेक्टर बोनस मिल रहा है, वही डायरेक्टर बोनस पॉइंट्स आपके एनटीएफ डब्ल्यूटीएफ कार बोनस हाउस बोनस के लिए काउंट हो रहा है। बट फॉर लीडरशिप जनरेशन एलिजिबिलिटी इस केस में यू को ए के पीजीपीवी या उसके नीचे पीजीपीवी के ऊपर लीडरशिप बोनस पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। लेकिन यू के पास एक बहुत बड़ा मौका है कि अगर वो अपना टाइटल और आगे बढ़ाते हैं तो ये सारी डेप्थ उनके लिए खुल जाएंगे और उनका लीडरशिप बोनस भी पहले से और बड़ा हो सकता है। पर ध्यान रहे बाकी जितनी लीडरशिप बोनस की लेग्स हैं यू को उन लेग्स के ऊपर अपने टाइटल के हिसाब से पूरी डेप्थ का बेनिफिट मिल रहा है। तो ये है हमारा लीडरशिप बोनस। और जैसे हमने पहले बताया लीडरशिप बोनस आपके पूरे समीर मोदी ग्लोबल प्लान के इनकम्स में से आपके लिए सबसे बड़ा बोनस साबित हो सकता है। तो इफ यू कैन बिकम लीडर, इफ यू कैन क्रिएट मोर लीडर्स इन योर टीम्स, यू कैन अर्न लीडरशिप बोनस एंड फुलफिल योर आजादी जर्नी वेरी क्विकली। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जैसे जैसे आप मोदी केयर की आजादी जर्नी में आगे बढ़ते हैं आप अचीव करते हैं सीनियर लीडरशिप टाइटल्स, ब्लैक डायमंड, डबल ब्लैक डायमंड, ट्रिपल ब्लैक डायमंड एंड हायर। और यहां तक पहुंचते हुए आप लाखों हजारों लोगों के मेंटोर बन चुके होते हैं। लोग आपको अपने ग्रुप के लिए एज एन आइडॉल देखते हैं और आपकी हर एक बात को फॉलो करते हैं और आप एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर बन चुके होते हैं। नेचुरली जो अब आपको बोनसेस मिलेंगे वो भी बहुत शानदार और बहुत बेहतरीन बोनसेस होते हैं, जिसमें पहला बोनस है हमारा जिसे हम कहते हैं
ब्लैक डायमंड बोनस, ये मिलता है सिर्फ तीन टाइटल्स को, ब्लैक डायमंड, डबल ब्लैक डायमंड एंड ट्रिपल ब्लैक डायमंड। और ये दिया जाता है कंपनी के मंथली बीवी पूल के 0.7% के हिस्से से। और इसमें आप हर महीने 5 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। इमेजिन, महीने का 5 लाख रुपए तक सिर्फ एक बोनस से। और इसको अर्न करने के लिए क्या करना है, यू नीड टू बिकम ब्लैक डायमंड, डबल ब्लैक डायमंड, ट्रिपल ब्लैक डायमंड, इन्हीं तीन टाइटल्स को यह बोनस दिया जाता है। कैलकुलेशन बहुत आसान है, आपके डायरेक्टर बोनस पॉइंट्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा ब्लैक डायमंड बोनस पॉइंट वैल्यू के साथ, और आपका ब्लैक डायमंड बोनस इन रुपी वैल्यू कैलकुलेट हो जाता है, जो कि हो सकता है ₹5 लाख तक। और इसी श्रृंखला में जो हमारा अगला बोनस है उसको हम कहते हैं रेड डायमंड बोनस फॉर सीनियर लीडर्स, रेड डायमंड, डबल रेड डायमंड एंड ट्रिपल रेड डायमंड। इन तीन टाइटल्स को जो मोदी करके सीनियर लीडरशिप टाइटल्स हैं उनको ये बोनस दिया जाता है फ्रॉम द कंपनीज मंथली बीवी पूल ऑफ 0.3%। और ये हर महीने आप कमा सकते हैं 10 लाख रुपए तक। कैसे कैलकुलेट होगा, आपके डायरेक्टर बोनस पॉइंट्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा रेड डायमंड बोनस पॉइंट वैल्यू के साथ, और आपका रेड डायमंड बोनस इन रुपी वैल्यू आ जाता है। सो आप देख रहे हैं कि जैसे 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 आप आगे बढ़ते हैं, मोदी करके टाइटल्स को अचीव करते हैं, आपके बोनसेस और ज्यादा बड़े होते जाते हैं। लेकिन इन सारे टाइटल्स को अचीव करने के लिए जो बेसिक यूनिट है वो है डायरेक्टर। अपनी टीम्स में डायरेक्टर प्रोड्यूस करिए, अपने टाइटल्स को आगे बढ़ाइए और एक शानदार इनकम के हकदार बनिए। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप सब जानते हैं कि समीर मोदी ग्लोबल प्लान इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट प्लान में से एक है। पूरे कंपनी के मंथली बिजनेस वॉल्यूम का 62% हम हर महीने बोनसेस में पे आउट करते हैं। इतने ज्यादा पैसे के साथ साथ इस प्लान को समझना और अपनी टीम में डुप्लीकेट करना भी बहुत आसान है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कितनी आसानी से सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ध्यान देकर आप इस प्लान से मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। तो क्या आप जानना चाहेंगे हाउ टू वर्क दिस प्लान? वेल, बहुत सिंपल है। आपको 2 चीजों के ऊपर फोकस करना है। सबसे पहले बेस लेवल कंसल्टेंट, जितने भी आपकी टीम में है हर एक व्यक्ति मिनिमम 60 पर्सनल PV जरूर करें। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइटल है, जो हर टाइटल की नींव है, बुनियाद है, जिसे हम कहते हैं डायरेक्टर, उसके ऊपर फोकस करें। तो पहला फोकस करें कि हर एक व्यक्ति आपकी टीम में 60 पर्सनल PV जरूर करें, और दूसरा आप फटाफट डायरेक्टर बने और अपनी टीम में मैक्सिमम डायरेक्टर्स को प्रोड्यूस करें। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि क्यों आपकी टीम का हर एक व्यक्ति 60 पर्सनल PV मिनिमम जरूर करना चाहेगा। क्यों हर एक व्यक्ति 60 पर्सनल PV को कभी भी मिस नहीं करेगा? क्या वो बेनिफिट्स हैं जिससे कि हर एक व्यक्ति जो आपकी टीम में है जल्दी से जल्दी अपने आप बिना आपके फॉलोअप किए 60 पर्सनल PV करेगा? जानना चाहेंगे? तो सबसे पहला बेनिफिट है नेचुरली रिटेल प्रॉफिट। जैसे हम अपने नंबर पे, अपने एमसी नंबर पे कुछ भी सामान लेते हैं, हमें अप टू 20% तक रिटेल प्रॉफिट मिल सकता है। और 60 पर्सनल PV तकरीबन 3,000 रुपए में हो जाएगा, तो अप टू 20% तक ऑन कंसल्टेंट प्राइस हमें बेनिफिट होगा। सेकंड, जैसे ही मैं 60 पर्सनल PV करता हूं, आप जानते हैं परफॉर्मेंस बोनस लैब्स का जो पहला परसेंटेज लेवल है 5%, मैं उसको अचीव कर लूंगा। 5% लेवल पर पहुंचने के लिए हमारा ग्रुप पीवी होना चाहिए 60 to less than 300। ये ग्रुप पर्सनल पीवी है। यहां पे तो आपने खुद ही 60 पर्सनल PV कर लिया, तो यानी कि चाहे आपकी टीम में अभी कोई भी मेंबर ज्वाइन नहीं हुआ, आपने सिर्फ खुद ही 60 पर्सनल PV किया, फिर भी आप 5% पे पहुंच जाएंगे और आपको 5% के हिसाब से परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा। ये और ज्यादा हो सकता है, ये 8% भी हो सकता है, ये 11 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी टीम में कितने लोग हैं और आपका टोटल ग्रुप पीवी कितना है। सो दिस वॉज द सेकेंड बेनिफिट। थर्ड बेनिफिट, यदि आपने 60 पर्सनल PV किया और आपका परसेंटेज लेवल है 5 या 8, तो आपको एंट्री मिल जाती है कंपनी के 3% के बीवी पूल में, और आप बन जाते हैं हिस्सेदार
कंपनी के 3% बीवी पूल में थ्रू अ बोनस जो कि पहली बार हमने इंडस्ट्री में लॉन्च किया है, रेवोल्यूशनरी बोनस, समीर मोदी सुपर बोनस। तो हर वो व्यक्ति जो 60 बीवी करता है एट 5% एंड 8% लेवल, उनको समीर मोदी सुपर बोनस से एक बेहतरीन बेनिफिट मिलता है। ये था हमारा तीसरा फायदा। चौथा फायदा, जैसे ही आप 60 पीवी करते हैं आप आ जाते हैं लॉयल्टी रिवॉर्ड्स प्रोग्राम में और आपको मिलता है 600 रुपए का गिफ्ट वाउचर जो आप अगले महीने रिडीम कर सकते हैं। इमेजिन करिए, 60 पीवी किया और 600 रुपए का गिफ्ट वाउचर मिल गया। इजन दिस अमेजिंग? बाय द वे, लॉयल्टी रिवॉर्ड्स प्रोग्राम अब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के साथ है। कोई जरूरत नहीं है 6 महीने या 12 महीने वेट करने की। आज आपने परचेज किया, नेक्स्ट मंथ आप इसका बेनिफिट रिडीम कर सकते हैं और 1200 रुपए तक के आपको फ्री प्रोडक्ट मिल सकते हैं अंडर लॉयल्टी रिवॉर्ड्स प्रोग्राम। सो ये था हमारा चौथा बेनिफिट। पांचवा बेनिफिट, 60 पीवी क्लब मंथली ड्रॉ। जब आप 1 से लेकर 10 तारीख तक बेशक मल्टीपल इनवॉइसेस में अपना 60 पीवी कंप्लीट करेंगे तो आपको 3 टिकट्स मिलेंगे फॉर दी मंथली ड्रॉ। और यदि आपने अपना 60 पीवी कंप्लीट किया 11 से 20 तक तो आपको 2 टिकट्स मिलेंगे। तो जितनी जल्दी करेंगे उतना बेनिफिट है, क्योंकि जितने ज्यादा टिकट्स होंगे उतना ज्यादा आपको लकी ड्रॉ में आने का मौका मिलेगा। और बाय द वे, ये मल्टीपल्स पे है। अगर आप 120 पीवी कर लेते हैं तो आपको 6 टिकट्स मिलने तक का मौका रहेगा एंड सो ऑन। और हमारा पांचवा बेनिफिट है रीपर्चेज प्रोग्राम। जब आप 60 पीवी करते हैं जो तकरीबन 3000 रुपए का होगा तो आपको अप्रॉक्सीमेट 10% वैल्यू के प्रोडक्ट भी फ्री मिलेंगे। नाउ इतने सारे बेनिफिट्स, आप मुझे बताइए क्या कोई व्यक्ति 60 पीवी को मिस करना चाहेगा? आई डोंट थिंक सो। तो क्या आपने अपना 60 पीवी कर लिया है? तो ये था हमारा पहला कॉन्सेप्ट, फोकस ऑन बेस लेवल कंसल्टेंट फॉर 60 पीवी। अब हम बढ़ते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसे हम कहते हैं कि आप सबसे पहले खुद डायरेक्टर बनिए और अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा डायरेक्टर को प्रोड्यूस करें, क्योंकि जितने ज्यादा डायरेक्टर्स आपकी टीम में आएंगे उतना तेजी से आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। तो आइए देखते हैं कि डायरेक्टर बनाना कितना आसान है। सो 60 पीवी को हम समझ चुके हैं, हमने खुद 60 पीवी किया और लेट्स से हमने 4 लोगों को मोदी केयर में स्पॉन्सर किया, वो भी सारे 60 पीवी करते हैं क्योंकि वो मिस नहीं करेंगे 60 पीवी बिकॉज ऑफ द सो मेनी बेनिफिट्स। तो आपने 60 पीवी किया, आपके फ्रंट लाइन्स ने 60 पीवी ईच किया, आपका हो जाता है 300 ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम। आप आ जाते हैं 8% पे और आपके फ्रंट लाइन्स होंगे 5% पे। अब यही काम जो आपने खुद किया है, यही काम अपने फ्रंट लाइन्स को सिखाएं, वो आगे जब 4 लोगों को ज्वाइन कराएंगे तो वो आ जाएंगे 8% पे और आप बन जाएंगे डायरेक्टर विद 1260 PGPV। और जैसे ही आप डायरेक्टर बनेंगे आपको डायरेक्टर बोनस, बाइक बोनस, नेशनल टूर फंड मिलना शुरू हो जाएगा। अब जो चीज आपने करी है, डायरेक्टर आप बने हैं बाय फोकसिंग ऑन 60 पीवी, यही चीज अपनी टीम में डुप्लीकेट करते जाएं। अगर आप एक लेग में डायरेक्टर बना देते हैं, साइड से आपका 900 PGPV है तो आप बन जाएंगे सीनियर डायरेक्टर। अगर आप 2 लेग में डायरेक्टर बना देते हैं, साइड से आपका 600 PGPV है, आप बन जाएंगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अगर आप 3 लेग में डायरेक्टर बना देते हैं, साइड से आपका PGPV 300 है, आप बन जाएंगे सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और आपको मिलना शुरू हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेवल फंड। 4 लेग में डायरेक्टर बनाएं, आप बन जाएंगे प्लैटिनम डायरेक्टर और आपको मिलना शुरू हो जाएगा कार फंड। 6 लेग्स में डायरेक्टर बना दें, आप बन जाएंगे डायमंड डायरेक्टर और आपको मिलना शुरू हो जाएगा हाउस बोनस। इजंट दिस अमेजिंग? सिर्फ 60 पीवी पे फोकस करिए, डायरेक्टर टाइटल पे फोकस करिए, इसी को टीम में डुप्लीकेट कराते जाएं और सारे टाइटल्स को अचीव करते जाएं। और अब 6 लेग्स के ऊपर फोकस करें, जो आपने काम किया अपनी टीम को सिखाएं, 6 लेग्स की डेप्थ को बिल्ड करें। और जब आप 6 लेग्स में डेप्थ बिल्ड करते जाएंगे इन्हीं 2 कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करते हुए, तो आप मोदी केयर के सबसे बड़े टाइटल ट्रिपल रेड डायमंड तक पहुंच सकते हैं जस्ट बाय फोकसिंग ऑन 60 पर्सनल पीवी एंड पैट डायरेक्टर। सो दिस प्लान इज वेरी इजी टू वर्क, वेरी वेरी रिवॉर्डिंग। इन 2 चीजों के ऊपर फोकस करें और अपने हर सपने को पूरा करें। थैंक यू सो मच।